Beautiful, beautiful scenarios all around. There are the girls. Very nice. Chalo. Let him go. Water is a little dirty, but they are used to it. If you'd want to go. There he goes. Very nice. अब वो दोबारा दिखने भी नहीं वाला है. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल. दिस इज आकाश विमल. आई नो बहुत दिन बाद, एंड दिस इज परफेक्टली कैमोफ्लाज्ड मेरा सिम्बा जो कि बस सोता ही रहता है. मैं अभी आपको इसको पास से दिखाऊंगा. सोता नहीं रहता है, ये भी बहुत ज्यादा खेला है और अब जस्ट लुक एट हिम, ये ऐसे ही रह गया. चलो. सो या आई वाज वर्किंग ऑन सम अदर वीडियो. इससे पहले मैं किसी और वीडियो पे काम कर रहा था, बट आई थॉट ये वाला वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बनाना. है रीजन है एक दो. आई एम नॉट रियली हैप्पी राइट नाउ. अभी ज्यादा खुशी तो नहीं हो रही है, पर अपडेट करना बहुत जरूरी होता है. तो पहले हम जाएंगे मेरे सारे पेट्स से मिलेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है. आई एम श्योर आप लोगों को भी लग रहा होगा, और बहुत टाइम हो चुका है तो सबके पास जाएंगे. देन वील टॉक अबाउट इट. बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बीच में सबको डिस्कस करेंगे. और सबसे पहले इसको जो कि कुछ कुछ कर रहा है. ही सो प्लेफुल. ये रोज सुबह आके मेरे ऊपर चढ़ जाता है. मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उनके कंधे पर बैठा रहता है. ही इज़ लाइक अ मंकी. ये एक्चुअली कुत्तों के साथ पला है, तो ये कुत्तों जैसा हो गया है. एक सुबह उठो आप तो ये भाग के आपके पास आएगा ज़बरदस्ती. यू हैव टू पिक हिम अप ज़बरदस्ती. अगर नहीं उठाया तो ये आपका पीछा करता रहेगा और आपके रास्ते बंद करके चिल्लाता रहेगा. So this is Simba, my 2-year-old male Persian cat. और इसको मैंने अभी सोते हुए उठा लिया. He was scratching his bum और मैंने इसको उठा लिया. Now he's like, what the fuck are you doing? Anyways, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत अफेक्शनेट है, ये हद से ज़्यादा अफेक्शनेट है. और इसको मैं डाइट में देता हूँ फिश. ग्रेवी भी हो सकती है, बी एट बॉइल्ड फिश या फिर कैट फूड तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अच्छे से अच्छे क्वालिटी का आप देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा. बहुत सारे कैट ओनर्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि वो स्प्रे नहीं करते इधर से उधर, या आपने उसको न्यूटर करवाया हुआ है क्या. पर सिम्बा के साथ मुझे अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है. आई डोंट नो इफ ही माइट हैव नॉट डेवलप्ड देम येट. पर हाँ, ये कभी जाकर स्प्रे तो नहीं करता. काफ़ी जो मेल कैट्स होते हैं उनमें एक आदत होती है अपने एरिया मार्किंग की, तो वो जहाँ पर भी जाते हैं वो थोड़ा थोड़ा टॉयलेट करते हुए घूमते रहते हैं. तो ये तो बिल्कुल नहीं करता है, होपफुली टच वुड, और आगे भी ना करे मैं यही चाहूँगा. और बस ही इज़ डूइंग गुड. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये काम इतना कैसे है, और आपने इसको जैसे मेरे पेजेंट्स के साथ भी ये चिल करता है अब तो, और ये किसी पर अटैक नहीं करता, आपने ऐसा क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, और ये आपके पास भी ऐसे बैठा हुआ है. इसका रीज़न और इसका राज होता है, यू डोंट हैव टू हैंडल द एनिमल सो मच. लोग क्या करते हैं, उनको कुछ प्यारा लगता है तो उसको 24 घंटे गोदी में उठा कर रखते हैं, विच इज़ ऑल्सो अनहेल्दी फॉर योर पेट. क्योंकि बचपन में आपने सुना होगा किसी पपी को आप उठाने गए, उसके ओनर ने मना कर दिया कि प्रॉब्लम हो जाती है उनको, टाइप ऐसे. तो इट हैपन्स लाइक दैट. तो इनका भी अपना एक स्पेस होता है, इनको प्लीज़ स्पेस दीजिए, और फिर ये आपके साथ नॉर्मली रहेंगे. मैं इसको ज़्यादा गोदी में नहीं उठाता था, और अब इसका मन करता है कि ये हमेशा गोदी में ही रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना. अब नाउ इज़ लाइक कि मेरा ये साइड स्क्रैच करो. ओके. चलो,
चलो ओके. आई लाइक हिज टेल. अभी प्रॉपरली विंटर वाला कोट इसका आया नहीं है, पर इट्स गोना बी देयर सून. एंड नाउ ही इज वेविंग. And this is Rangila I have over here. Rangila is chilling like always. He just had a little food. मैंने अभी इसका घर हटाया है यहाँ से. And he is almost always chilling. He is doing great. I will not disturb him क्योंकि उसके पेट में you can already see some food. ये जो ये वाला जो पार्ट है ये फूला हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर खाना है. और इट्स वेरी नेसेसरी, अभी सर्दियों का टाइम है तो अभी इसको हीटिंग पैड के ऊपर ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अपना खाना डाइजेस्ट सिर्फ और सिर्फ हीट से ही कर पाते हैं और उसी से दे गेट द एनर्जी ऑल्सो. मैं इसको बास्क भी कराता हूँ इन द सन. एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट. He is almost more than 2 feet long. मैं इसको ज़्यादा disturb नहीं करूँगा. He's a nice kid of mine. And I love him a lot, like always. ये आराम से शांति से बैठा है तो I will not disturb him. And I'll try to keep this on him. अच्छे से. Now. This is on him. He likes this setup a lot. अभी मैं इसका नया सेटअप प्लान कर रहा हूँ, पर अभी सर्दियाँ आ गई हैं so I couldn't यहाँ पर थर्मोस्टैट इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं तो इसलिए मैंने नहीं किए ज़्यादा अभी एक्सपेरिमेंट्स. पर हाँ, इन दिस समर्स आई एम रियली गोना प्लान समथिंग आउट फॉर हिम. अभी सर्दियों की वजह से प्लान, सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाता है टेम्परेचर मेंटेन करना और इसमें इसके नीचे एक हीटिंग पैड रहता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इजी रहता है मेरे लिए सब कुछ कोप अप करना. एंड एज यू कैन सी हिज इंक्लोजर इज़ आल्सो क्लीन, पर अभी 2 दिन बाद ये इसको बुरी तरीके से गंदा करने वाला है तो आई विल हैव टू क्लीन दैट आल्सो. सो या सो दिस इज थियसा. हमेशा ये ऐसे ही लेटी हुई दिखती थी, पर शी यूज टू प्ले अलॉट और पार्क में ऐसे भागना और ऐसे चिल करना. शी यूज टू बी लाइक दैट. अभी इसके टेस्ट कराए हैं हमने बहुत सारे और हमें लगा था कि कुछ प्रॉब्लम होगी इसको, तो टेस्ट वर ऑल क्लियर. इसका लिवर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हर किडनीज आर वर्किंग वेरी वेल, इसका बहुत हेल्दी ब्लड है एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, वर्किंग वेरी वेल. पर शी इज़ अनेबल टू वॉक. बहुत ज़्यादा दर्द होता है व्हेन आई सी हर वॉकिंग बिकॉज शी कैन नॉट वॉक विदाउट अ सपोर्ट. और ये उठ भी नहीं पाती है बिना किसी सपोर्ट के. और शी इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, ये कुछ भी नहीं खा रही है. काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ड्रिप्स लगवा लो ड्रिप्स लगवा लो, पर अगर आप ड्रिप्स लगा लेते हैं तो वो कोई किसी चीज़ का इलाज नहीं होता, बस वो एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है जो कि मैं चाहता नहीं. तो हम इसको अभी ज़बरदस्ती खिला रहे हैं प्योरे की फॉर्म में. मैं डॉग फूड कभी कभार एग्स हो गए और चिकन ब्रॉथ हो गया, चिकन का सूप हो गया और ऐसे ही बहुत सारा मीट ऐसे मिंस करके उसको अच्छे से और उसको फोर्सफुली इसके हम अंदर गले में डालते हैं. अभी थोड़े टाइम पहले मैं वो वीडियो दिखाऊंगा नहीं, इसने इसकी नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी एंड इट वाज अ लॉट. शी वाज स्लीपिंग विद मी, पर फिर रात को शी वाज फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल तो मैं यहीं पर सो रहा हूँ इसके बेड पर ही इसके साथ, क्योंकि इसको अकेला फील ना हो. तो मैं अपने बेड पर सो गया था, फिर माय फादर केम टू मी और उन्होंने उठाया और देखा तो हर जगह खून खून था क्योंकि हर नोज वाज ब्लीडिंग. पर अब एकदम अच्छी है, शी इज़ डूइंग गुड. काफ़ी वेट भी इसने कोई ऐसा लूज नहीं किया है. और जब आती है बात एक 80 किलो के कुत्ते को उठाने की तो इट्स नॉट ईजी, तो हमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स और टैक्टिक्स लगा कर इसको उठाना पड़ता है. ये सिर्फ और सिर्फ एज फैक्टर है. सेंट बर्नार्ड्स बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं अराउंड 7-8 ईयर्स के अराउंड ही, और ये तो
शी इज़ ऑलमोस्ट 9 आई गेस, 8 or 9 के आसपास है ये तो. इट्स और इफ़ यू विल सी हर टीथ तो वो भी घिस चुके हैं, वो भी घिसना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने और हल्का हल्के से इसके वाइट बाल आ गए हैं आँख के अराउंड. एंड दिस इज माई बेबी गर्ल. हमें ठीक है अब अभी तो ये सो रही है और सिम्बा इसके आसपास ही घूमता रहता है क्योंकि शी इज़ लाइक अ मदर टू हिम. ये लोग साथ में ही सोते थे और जब भी मैं इसको उठाता हूँ तो इसको काफ़ी दर्द होता है और सिम्बा और स्नोई तो इनफैक्ट भौंकने भी लग जाती है. तो अभी मैं इसको थोड़ी सी दवाइयाँ दे रहा हूँ सजेस्टेड बाय मिस्टर विशाल, डॉक्टर विशाल. यू कैन रीच आउट टू हिम, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय. और हम जितनी भी इसको दवाइयाँ दे रहे हैं वो सारी हर्बल हैं क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते. एज़ हर किडनी इज़ वेरी अच्छी, अभी तो किडनीज इसकी बहुत अच्छी हैं और सो इज़ द लिवर, लिवर भी बहुत अच्छा है. और ये मेरी दूसरी ओल्ड एज लड़की, ऑल्दो शी इज़ नॉट बिहेविंग लाइक दैट, शी इज़ गोना बी 10 ईयर्स ओल्ड. और यहाँ पर सिम्बा भी आ गया है क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे ही घूम रहा है तब से. और शी हैज़ डिस्ट्रॉयड माई रूम, यू कैन सी ये इधर उधर भागती रहती है इस पे एंड दे स्लीप ऑन इट. और हेयर इज सिम्बा. हाँ तो हिमपायरन, दिस हिमालय का हिमपायरन, ये एक्ट कर रहा है एज अ पेन किलर टू हर. और अगर कोई बुखार भी होता है तो वो रिकवर कर सकती है इससे, ऑल दो इसको है नहीं टच वुड. एंड शी इज डूइंग गुड. तो अभी मैं इसको बस ये दवाई दूंगा. इसको मैं काफ़ी नारियल पानी और वो सब भी दे रहा हूँ और सब कुछ फोर्स फीड हो रहा है इसको. ऑल गॉन. इसको मैं 3 ml देता हूँ दिन में 2 बार हिमपायरन. और मल्टीविटामिन्स और उन सबको मैं नहीं दे रहा हूँ, बस कैल्शियम देता हूँ उसको बिकॉज शी इज़ हैविंग अर्थराइटिस ना, तो इसके जितने भी जोड़ हैं जितने भी जॉइंट्स हैं वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं. अदरवाइज शी इज़ माई गर्ल. अगर आप किसी भी जानवर का बुढ़ापा ना झेल पाएँ तो प्लीज़ डोंट ब्रिंग देम, प्लीज़ डोंट बिकॉज दे नीड यू. ये बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत है अभी मेरी, और अगर मैं अभी इस पर गिव अप कर दूंगा तो दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग.